नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सनिया ब्यूटी टिप्स चैनल पर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ और आप मेरी रेमडीज भी ट्राई करते होंगे और आपको पसंद भी आती होंगी। अच्छा, आज जिस टॉपिक में मैं आपको रेमडी बताने जा रही हूँ वो स्किन वाइटनिंग के बारे में है। आप सिर्फ दो चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए अपनी स्किन को जो फेयर भी कर सकते हैं और वाइट भी कर सकते हैं। आपकी स्किन पर जो है ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपने इसका रेगुलर इस्तेमाल करना है और 1 वीक आपने लाजमी इसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप इसके खुद रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, इसके लिए हम सिर्फ दो आसान चीजों को इस्तेमाल करेंगे। आपने पहले लेना है गंदम का आटा, वो आपने 1 चम्मच लेना है, ठीक है? आपने अपनी स्किन के मुताबिक लेना है, जितना आपकी स्किन है अनुसार। उसके बाद आपने जो दूसरी चीज है वो आपने लेनी है दही, इसको मिक्स करने के लिए, ठीक है? आपने इन दोनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना, इनका पेस्ट बना लेना। मतलब ये इस तरह बनाना है कि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। आपने 5 मिनट तक इसे लगातार जो है वो मिक्स करते रहना है ताकि ये क्रीमी फॉर्म बन जाए। जब ये इस तरह क्रीमी फॉर्म में बन जाएगा तो आपने क्या करना है कि अब मैं आपको अप्लाई का तरीका बताती हूँ। आपने अपने फेस पे इसको लगाना है, ठीक है ना? फेस पे लगाने के बाद इस पेस्ट को आपने जब फेस पे लगा लेना है 15 और 20 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। और उसके बाद आपने इसको जो है वो पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ धो लेना है। आपने ये अगर रेमडी रेगुलर करेंगे तो आपको किसी करीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी रेमडी पसंद आई होगी। लास्ट में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट